वेलकम बैक गाइस अगेन इन दिस वीडियो आई वेलकम यू इन माय चैनल। तो गाइस एज यू नो कि हम इस प्लेलिस्ट को काफ़ी दिन हो गए और ऐसी ही चलती रहेगी जब तक कि आप पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाते, मतलब जब तक आपको हर एक प्रकार का हर एक टाइप का सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आ जाता। आप देखते रहिए ऐसे, और मैं ये नहीं कहता कि पूरी वीडियो देखना है, नहीं, आपको वहाँ तक देखना है जहाँ तक आपको लगे कि येस नाउ आई एम एबल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो वहाँ तक देखिए आप, ठीक है, नथिंग लाइक कि फोर्स करना है आपको पूरी वीडियो देखना है तभी कुछ आएगा, नहीं, आपको जहाँ तक आ जाए लगे कि हाँ अब नाउ आई एम एबल टू फ्रेम एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, तो फिर बस वहाँ से रोक दो। और मैंने पहले ही बताया कि यार आपको यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, जब तक खुद से नहीं बोलोगे कभी फ्रेम करने नहीं आएंगे सेंटेंस। ठीक है, तो दिस अवर 36th ट्यूटोरियल, सो आई रिक्वेस्ट यू, आई इम्पल्स टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट्स जिफी वर्क एंड इट्स जिफी टाइम, इट विल टेक योर अ शॉर्ट अ लिटल टाइम टू क्लिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कमेंस। ओके, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। ठीक है, न्यू वर्ड बता दिया, इसलिए आज की वीडियो को लाइक करके करना भूलना मत। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज़ देयर बिहाइंड यू, हु इज़ देयर बिहाइंड यू। अब जैसे कि आपको पता ही है बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे। ठीक है, उसे किसके साथ भेजा गया? विद हुम भी बोल सकते हो आप सिंपल सा ही बोल सकते हो कि हुम वॉज ही सेंट विद, मतलब किसके साथ उसे भेजा गया। आप सिंपल बोल सकते हो विद हुम वॉज ही सेंट। ठीक, नेक्स्ट इज तुमने किसका नाम लिया? हुज नेम, मतलब किसका नाम। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला था? हुम बोला था, यहाँ पे क्या बोला है? हुज। ठीक, आई होप कि आप समझ रहे हो इनको, इन टर्म्स को। ठीक है, किसका नाम मतलब किसकी चीज़, हुज नेम डिड यू टेक, आपने किसका नाम लिया। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर ने किसी को डांटा तो फिर उससे पूछा कि तो क्या किसने किया है ये सब, किसने किया, कोई मिस्टेक कर दी, कोई भी कुछ भी कर दिया तो उससे पूछा कि किसने किया है। ठीक है, तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि मतलब ये पूछ रहा है कि तुमने किसका नाम लिया था। ठीक है, हुज नेम डिड यू टेक। नेक्स्ट इज मैं उसे फ़ोन क्यों करूँगा, वाई वुड आई कॉल हिम। अब वुड एंड विल का मैं थोड़ा सा इन ब्रीफ बता देता हूँ आपको कि वुड का मतलब होता है इन करंट, ना कि फ्यूचर की बात करें। करंट मतलब जस्ट आफ्टर अ जिफी, आफ्टर अ अमाउंट ऑफ टाइम, अ लिटल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, आप बोल सकते हो कि कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट्स के बाद जो चीज़ होने वाली है, मिनट्स तो दूर की बात होगी, सेकंड्स की बात होती है, तब बोलते हैं हम पावर आई कॉल इन, मैं उसे कॉल क्यों करूँगा। ठीक है, बिल का मतलब होता है वाई आई विल, मैं उसे कॉल क्यों करूँगा, मतलब इन फ्यूचर, मतलब कल की बात हो रही है। ठीक, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, विल यू रिमाइंड मी, विल यू रिमाइंड मी। अब यहाँ पे देखो, अभी बताया था ना फ्यूचर वर्ड एंड विल का यूज, तो विल यू रिमाइंड मी। अब अभी यहाँ पे पता नहीं है, मतलब अभी करंट में, अभी तो करंट में तो नहीं दिलाना क्योंकि करंट में तो उसे खुद ही याद है। ठीक है, विल यू रिमाइंड मी, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, मतलब कुछ मिनट्स के बाद, या हो सकता है कि आफ्टर डे टमोरो। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। नेक्स्ट इज तुमने हमेशा मुझे डांटा, यू ऑलवेज स्कॉल्डेड मी। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, और स्कॉल्डेड की सेकेंड फॉर्म है तुमने हमेशा मुझे डांटा, तो यू ऑलवेज स्कॉल्ड इट मी। नेक्स्ट इज तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, यू मस्ट बी पनिश्ड। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, इतना गंदा हरकत की है तुमने, इतनी गंदी हरकत की है तुमने, मतलब कोई भी कुछ भी मिस्टेक कर दी तो यू मस्ट बी पनिश्ड। मस्ट का मतलब होता है कि ये तो होना ही चाहिए, इट्स लाइक नेसेसरी कंपल्सरी, उस केस में आता है मस्ट का यूज। ठीक है, तुमने मेरा मूड ख़राब किया, यू स्पॉइल्ड माय मूड। मूड का मतलब होता है दिमाग ख़राब। ठीक है, तुमने मेरा मूड ख़राब किया, यू स्पॉइल्ड माय मूड। ठीक, नेक्स्ट इज थोड़ा पानी और मिला लो, एड अ लिटल मोर वाटर, मतलब थोड़ा ज़्यादा और एड अ लिटल मोर वाटर। नेक्स्ट इज अविरत बर्गर खा रहा है, अविरत इज़ अ पर्सन। ठीक है, अविरत इज ईटिंग बर्गर, आप बहुत अच्छे से पता होगा यार आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है, गुब्बारा नीचे जा रहा है, बलून इज़ गोइंग डाउन। गुब्बारा नीचे जा रहा है, बलून इज़ गोइंग डाउन। नेक्स्ट इज
क्या तुमने उसे बैठने दिया? डिड यू लेट हिम सिट? क्या तुमने उसे बैठने दिया? नेक्स्ट इज, क्या तुम उसे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? अब पहचानते हो, ये आपको पता ही होगा, जैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है तो डू यू का यूज़ होगा यहाँ पे, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, तो इसलिए इंट्रोगेटिव है तो डू का आगे आ जाएगा, इसलिए दैट्स वाई इट इज़ डू यू रिकॉग्नाइज हिम. नेक्स्ट इज, उसके बारे में बात मत करो. डोंट टॉक अबाउट हिम. ठीक. नेक्स्ट इज, मेरे मोबाइल को मत छेड़ो. डोंट टच माई मोबाइल. छेड़छाड़ मत करो, मतलब टच मत करो, सिंपल सी बात है. डोंट टच माई मोबाइल. एंड नेक्स्ट इज, मैंने भी आने नहीं दिया. इवन आई डिडंट लेट कम. मतलब कोई भी बंदा है तो उसे आने नहीं दिया, मतलब कोई दूसरा बोल रहा है कि मैंने उसे नहीं आने दिया, तो ये दूसरा बंदा जो थर्ड पर्सन है वो बोल रहा है कि मैंने भी नहीं आने दिया, मतलब मैं भी, आई ऑल्सो, ऐसा बोल रहा है कि मैंने भी. इवन आई डिडंट लेट कम. ठीक. नेक्स्ट इज, क्या राहुल को नहीं जाना है? हैज़ राहुल नॉट टू गो. अब यहाँ पे हैज़ क्यों लगा होगा, आप ये सोच रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या लगा है, मतलब जाना. इंटरव्यू की सिंपल सी बात होती है कि दो ही आंसर होते हैं इसके, ना और हाँ. या तो ना में जवाब दे दो या हाँ में. दैट मीन्स इट इज़ इंटरोगेटिव. अदरवाइज क्या जाएगा फिर? फॉर एग्जांपल, आपसे पूछ लिया कि कल रात आप कहाँ पे थे, तो कहाँ, वेयर वर यू इन लास्ट नाइट, या फिर बोल सकते हो आप कोई भी यस्टरडेज नाइट बोल सकते हो. ठीक. तो आप क्या बोलोगे? नहीं, हाँ तो नहीं बोलोगे. ठीक. तो आपको आंसर देना पड़ेगा ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कि आपको प्रश्नवाचक, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है, ना कि आपसे इंट्रोवर्टिव किया है कि हाँ ना मैं आप जवाब दे सको. ठीक है. क्या राहुल को नहीं जाना है? हैज़ राहुल नॉट टू गो? यस और नो में जवाब दे दो तो काम बन जाता है. ठीक. दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोवर्टिव. यार दो ही आंसर होते हैं इंट्रोवर्टिव के पास. वो बस से उतर रहा. ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस. गेटिंग ऑफ का मतलब होता है उससे उतरना. ठीक. गेटिंग ऑफ मतलब उससे ले ऑफ करना, जहाँ पर बैठे थे वहाँ से ऑफ करना. ठीक है, पुट ऑफ आप बोल सकते हो. ठीक है. वो हॉस्पिटल जा रहा है. ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल. नेक्स्ट इज, वह अंग्रेजी सीख रहा है. ही इज़ लर्निंग इंग्लिश. यू आर ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश. यार आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं, वो भी इंग्लिश सीख रहा है. ठीक. वह अपना समय व्यर्थ करता है. ही बेस्ट इज हिज टाइम. बेस्ट मतलब होता है टाइम वेस्ट करना. ई एस का लग गया तो, बिकॉज ई एस क्यों लगा, क्योंकि ही मतलब सिंगुलर पर्सन. ठीक. ही वेस्ट इज हिज टाइम. और मैंने कई वीडियो में बताया कि आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपके जो ग्रामर्स के रूल हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेंसेस हुए, मॉडल्स हुए, वो आपके क्लियर नहीं है, तो वो आपको क्लियर करके बैठा है. दैट इज़ अवर प्रैक्टिस सेशंस प्लेलिस्ट. ना कि हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे रूल्स बताएंगे ग्रामर वाले, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है. आप चाहो तो और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देख सकते हो ऑन द सेम चैनल. ठीक है. बट यहाँ पे हम ये प्लेलिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस सेशन. ठीक है. हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस, हाउ टू फ्रेम, वो देखेंगे. ठीक. होमवर्क जरूर करना चाहिए. होमवर्क मस्ट बी डन. समय कितना बदल गया. हाउ चेंज द टाइम इज. या बोल सकते हो कि द टाइम इज चेंज सो, मतलब इतना टाइम चेंज हुआ है. नेक्स्ट इज, मुझे बुखार लग रहा है. आई एम फीलिंग फेवरिस. इज अनदर फीवर का मतलब होता है कि बुखार, और इस लग गया तो मतलब बुखार सा. आई एम फीलिंग फेवरिस, या फिर बोल सकते हो कि एक फील करने वाली होती है, तो यहाँ पर जाएगा एडजेक्टिव में. ठीक है, एडजेक्टिव बन जाएगा यहाँ पर. आई एम फीलिंग फेवरिस. ठीक है. मैं उसे सुला रहा हूँ. आई एम मेकिंग हिम टू स्लीप. मैं उसे सुला रहा हूँ. आई एम मेकिंग हिम टू स्लीप मतलब कोई काम हम कर रहे हैं दूसरों के लिए. हम उसे, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको समझा रहा हूँ. आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. आई एम मेकिंग हिम टू स्लीप. दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस बट नॉट लीस्ट. सो आई होप यू गुड all the points whatever I covered in this video, whatever I taught in this video. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video.